दोस्तों, अगर आप भी कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी के साथ कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी कर मैदान पर मचाया कोहराम, तो पाकिस्तान के दिग्गजों ने दे दिया हैरान कर देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का अंतिम मैच रोमांचक अंदाज से खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी के साथ कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गज भी दंग रह गए। इस दौरान वसीम अकरम, रमीज राजा से लेकर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन में कौन सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला के मैदान पर अंतिम टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी के अंदर 200 से ज्यादा रन ऑल आउट होकर बनाए थे। इस दौरान कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी कर 5 विकेट लिए, तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने 2 और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार कप्तानी की, और ऐसे में भारतीय टीम के पहले दिन बेहतर प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने अब बड़ा बयान सामने आया, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मैच में स्पिन गेंदबाजों ने काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी की है। इस मैच के अंदर जिस तरीके से कुलदीप यादव ने टॉप ऑर्डर को पूरी तरीके से परेशान करते हुए भारतीय टीम को मजबूती दिलाने का काम किया, वो बताता है कि भारतीय टीम के पास इस समय गेंदबाजों की बिल्कुल भी कमी मौजूद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव अगर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत नहीं देते तो शायद भारतीय टीम को इतना ज्यादा फायदा इस मैच के अंदर नहीं मिलता, और ऐसे में मेरे अनुसार तो इस मैच में अभी तक कुलदीप यादव से बेहतरीन गेंदबाजी किसी भी गेंदबाज ने पहले दिन के अंदर नहीं की है। तो वहीं रमीज राजा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मैच के अंदर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों की काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। दोनों ने बेहतर गेंदबाजी करते हुए सभी को बता दिया कि भारतीय टीम के पास काफी ज्यादा बेहतरीन स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं, और इन स्पिन गेंदबाजों के दम पर भारतीय टीम को परेशान करना बखूबी तरीके से आता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने तो सभी को प्रभावित किया, साथ ही में अब कुलदीप यादव ने सभी को प्रभावित किया है। ऐसे में इन सभी गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के जरिए एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि भारतीय टीम को स्पिन डिपार्टमेंट में महारत हासिल हो गई है। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा की काफी ज्यादा बेहतरीन कप्तानी देखने को मिली। जिस तरीके से आज कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच के अंदर भारतीय टीम को मजबूती दिलाने का काम किया और इंग्लैंड की टीम को दबाव में डालते हुए मैच को अपनी तरफ झुकाया, वो बताता है कि भारतीय टीम के कप्तान भारतीय टीम की जीत में मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने तो बेहतरीन कप्तानी की, साथ ही में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने भी बेहतर गेंदबाजी कर सभी को प्रभावित किया। ऐसे में इन सभी के बेहतर प्रदर्शन के चलते शायद भारतीय टीम जीत की तरफ एक कदम बढ़ा चुकी है। तो वहीं शोएब अख्तर ने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी देखने को मिली है, जिनके पास बेहतरीन कप्तानी करने की बड़ी काबिलियत मौजूद है। रोहित शर्मा ने अपने गेंदबाजों का सही तरीके से इस्तेमाल कर मैच को पूरी तरीके से भारत के पक्ष में रखा है। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव ने टॉप ऑर्डर को पूरी तरीके से परेशान करते हुए मैच में भारतीय टीम को मजबूती दिलाई, और साथ ही रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए बताया कि भारतीय टीम को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें, और ऐसे में भारतीय टीम ने पहले दिन जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन किया है उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं। तो दोस्तों, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।